हम यहाँ पर जो एंगल 5 है उसमें एंगल 1 का काउंटर और टेक डाउन सीख रहे हैं। तो इसे हम किस तरह से करते हैं, इसमें हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 जब एंगल 1 देगा तो मुझे यहाँ एंट्री लेनी है। जब एंट्री लेते हैं तो हम यूजुअली हम इसको होल्ड करेंगे, इसको खींच के यहाँ हिट कर रहा हूँ, मैं नीचे हिट कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसे यहाँ से मैं इसे ले गया डाउन गो दिस इज। अब देखिए ये वाला जो है यहाँ जब डाउन चला गया तो मैंने इसको हिट कर सकता हूँ। हिट करने वाला मेरे पास ऑप्शन ये है, दोबारा से यहाँ हिट किया हेवन सिक्स करते हुए, हेवन सिक्स करते हुए हिट कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट दिस इज कम कम अगेन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 1, 2, 3 एंड 4। जब हम ये स्ट्राइक कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम स्टिक टू स्टिक क्यों टच कर रहे हैं, बट रियलिटी में क्या कर रहे हैं हम, ये खाली प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मुझे एंगल 1 देगा तो मेरा टारगेट ये होगा, ओके हैंड आई विल टारगेट दिस। सो रियलिटी में हमारा फोकस क्या है, हैंड, यस आई विल ब्रेक द हैंड, 2 आई विल ब्रेक द हैंड एंड आई विल गो बैक एट द सेम टाइम। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे हिट करेगा, इसलिए मैं इसको हिट करते हुए 45 डिग्री बाहर जा रहा हूँ, तो ये आउट। अब वो थर्ड दे रहा है, सो आई एम गोइंग दिस, ओके यहाँ पर जो है ये मेरा नी टारगेट करेगा, नी टारगेट करो, ओके। तो हम अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए वेपन टू वेपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन मेरा नी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 में हम चेंज कर लेते हैं और हाथ टारगेट करते हैं। जैसे नी टारगेट करो, दिस इज यस आई एम हिटिंग द हैंड, ओके। नाउ फ्रॉम दैट साइड ही इज हिटिंग माई दिस नी, सो आई एम टेकिंग हिज हैंड, मैं उसका हाथ टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो अगर हम इसको रियलिटी बेस देखें, इधर अगर हम रियलिटी बेस देखें तो फर्स्ट स्ट्राइक, अगर उसने मुझे फर्स्ट स्ट्राइक दिया तो मैं यहाँ टारगेट कर रहा हूँ, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। बट अब क्योंकि हम इसे बार बार हमें प्रैक्टिस करनी है हाथों की और मूवमेंट की, तो हम इसे स्टिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4 ये हमारा स्टिक पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर हम स्टिक पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एंगल 1 पे हम डिसआर्म करेंगे, जैसे हम 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। जैसे मैंने यहाँ इसे टच किया, जैसे ये साउंड आता है, ओके वही मेरा मूवमेंट है जब मैं होल्ड करूँगा, होल्ड किया, हिट किया, हिट करने के बाद मैं इसे ग्राउंड पे ले जा सकता हूँ। सो फाइनल हम इसे अगर पूरा स्पीड में करें, नेचुरल स्पीड में करें, तो हमारा ये इस तरह से ड्रिल बन जाएगी, 1, 2, 3, 4, दिस होल्ड करो। अब यहाँ से आपको यहाँ टैप करना है, यहाँ पे हिट करना आपको, इधर हिट किया आपने, उसके बाद ये आप इसे ट्विस्ट कर रहे हो इस साइड, तो और इसे होल्ड भी रखना है आपको, होल्ड किया ग्राउंड पे गया, यहाँ से आपने इसे ले लिया वापस, छोड़ो, यस दिस इज एंड देन यू कैन हिट कम। नाउ लास्ट टाइम वी आर डूइंग इट 3 टाइम कॉन्टिन्यूसली, 3 बार हम इसे कॉन्टिन्यूस करेंगे। चलो यस राउंड होल्ड इट देन कम Now see, I have taken entry in this way. मैंने ऐसे एंट्री ली है, यहीं से हिट कर लो, ओपन कम। थर्ड वाली जो एंट्री है, मेरा हाथ कम हिट, इधर को प्लेस किया मैंने, तो अगर मैं इस तरफ को प्लेस कर रहा हूँ तो भी मेरा सेम होगा, बट मुझे अब अप साइड में हिट कर सकता हूँ, देन आई विल टैप दिस गो एंड हिट, ओके। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो एंड यू कैन प्रैक्टिस इट, हिट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन, सी यू सून।